बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वतन अज़ीज़ को तवानाई के शोबे में जिस कमी का सामना है, उसमें चाहे बिजली हो, गैस हो या हमारी तेल की पैदावार हो, लेकिन जो हमारी टॉप की प्रॉब्लम्स हैं उनमें बिजली सर फहरिस्त है, उसके बाद गैस का मसला दरपेश है। वो इसलिए कि बिजली बनाने के जो मुतबादल ज़राए हैं, जैसे आप मेरे पीछे ये सोलर सिस्टम को देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर प्लेट्स नस्ब हैं, ये वो आसान तरीन ज़रिया है कि जिससे आप सस्ती और बेहतरीन बिजली बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो विंड एनर्जी है, जो हवा के ज़रिए चलने वाली पन चक्कियाँ हैं उनके ज़रिए आप बना सकते हैं। तो ये मुतबादल ज़राए अब हमें हर सूरत अडाप्ट करने हैं। आबादी जो है वो 22 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आपको पता है हर घर में फ्रिज हैं, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, पानी वाली मोटरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तमाम की तमाम कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, आपकी पंखे हैं, हर चीज़ जो है वो बिजली से कनेक्टेड है। तो जब एक घर के अंदर इतनी एसेसरीज इस्तेमाल हो रही हैं, तो अल्टीमेटली फिर बिजली की ज़रूरियात कहाँ तक पहुँच जाती हैं। आज अगर गर्मियों में जब शदीद मौसम गर्म हो जाता है, मौसम पीक पे चला जाता है, तो जो शार्टेज आपके सामने आती है उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने मुतबादल ज़राए को नहीं अपनाया। दीगर ममालक, आप यूरोप की तरफ चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या कहीं भी, जहाँ पे सारा साल जो है वो सूरज अच्छे तरीके से नहीं इतना रोशन और चमकता, वो भी जो है सोलर पैनल से जो है बिजली बड़ी मिकदार में बनाते हैं। आप बर्तानिया की मिसाल ले लीजिए, जहां आलमोस्ट पूरा साल सवाए जून और जुलाई को थोड़ा सा छोड़ के हर वक्त बादल छाए रहते हैं, हर वक्त क्लाउडी मौसम है, लेकिन हर घर को तरजीह दी जाती है कि आप घर के छत पे सोलर प्लेट्स नस्ब करें। दफातर हों, सरकारी इदारे हों, नीम सरकारी हों या घर हों, आपको जो है वो सोलर पैनल से ज़रूर काम लेना है। लेकिन वतन अज़ीज़ में अव्वल तो सरकारी सतह पे ये तमाम चीज़ों का एहतमाम नहीं हुआ। अभी तक हमने सोलर से बड़ी मिकदार में बिजली बनानी नहीं शुरू की। विंड पावर जो है, जो हवा के साथ टर्बाइंस चलती हैं उनके ज़रिए हमने बिजली बनानी शुरू नहीं की। ये वो दो ज़राए हैं जो आसान भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं। एक दफ़ा आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं सोलर प्लेटें, आपने परचेज़ करनी है, नस्ब कर देनी है, बैटरियां लगा देनी है और आपकी बिजली बनती रहेगी। और वतन अज़ीज़ में आलमोस्ट 9 माह तक गर्मी का मौसम रहता है और सूरज बड़ी अपनी आबोताब के साथ चमकता है। तो फिर हम सोलर पैनल से और विंड से जो है वो लाखों मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ये ऐसे दस्तयाब ज़राए हैं कि जो बड़ी आसानी से हमें 12 महीने साल के हमारे पास मौजूद हैं। अब आ जाइए तेल से चलने वाले कारखाने, गैस से चलने वाले कारखाने या फिर पानी के ज़रिए जो आप बिजली बनाते हैं, वो तमाम ज़राए आलमोस्ट महंगे पड़ते हैं। और जब उनसे बिजली की प्रोडक्शन होती है वो ऑलरेडी महंगी, एक यूनिट की कास्ट 15 से 20 रुपये पड़ रही है तैयारी पर, तो आवाम को वो कैसे सस्ती दे दी जाए, ये एक सवाल है और नामुमकिन बात है। तो हमें आज लाजमन जो है वो सस्ते ज़राए की तरफ जाना चाहिए। यूरोप के अंदर ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहां सूरज ना होने के बराबर चमकता है या हर वक्त मौसम क्लाउडी रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो तरजीह देते हैं कि वो शमसी तवानाई से या हवा के ज़रिए से बिजली पैदा करें। ये तमाम ज़राए जो हैं ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि बेहतरीन बिजली पैदा करने के ज़राए हैं। अब वतन अज़ीज़ का इस तरफ हम सारे ध्यान देंगे, घरों की सतह पे, सरकारी सतह पे, नीम सरकारी सतह पे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरह वक्त के साथ साथ रैपिडली जो है हमारी आबादी बढ़ रही है, बिजली की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, ये हर मौसम गर्मा में रोना धोना, बिजली के शॉर्टफॉल को फेस करना, उसके लिए कोई मंसूबाबंदी और प्लानिंग ना करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ना लगाना, ये वो सारी अवामिल हैं कि जो आखिरकार फिर तवानाई के बुरान की तरफ ले जाते हैं।
ज़रूरियात अपने पीक सीज़न पे टॉप पे चली जाती हैं और हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत नीचे रह जाती है। रिज़ल्ट ये निकलता है कि बिजली का शार्टफॉल आना शुरू हो जाता है और फिर वो शार्टफॉल हम कई कई घंटों लोड शेडिंग के अजाब की सूरत में भुगतते हैं। दोस्तों, आज वेल्डिंग वाला हो, टेलर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, घर हो, अलगर्ज़ कोई भी जगह हो, वो ऐसी नहीं है कि जहाँ बिजली का दारोमदार ना हो। कोई ऐसी एसेसरीज़ नहीं है जो बिजली के बग़ैर चलती हों, और फिर जब बिजली चली जाती है तो तमाम ज़िंदगी का पहिया रुक जाता है। हमें घरों की सतह पे भी सोलर पैनल को, विंड एनर्जी को और दीगर जो पॉसिबल आसान ज़राए हैं उनसे बिजली पैदा करने की तरफ ज़रूर जाना है। अगर हर घर, आप मिसाल ले लीजिए कि हमारे सूबा सिंध के अंदर दर्जा हरारत 50-52 तक जाता है, तो क्या अगर वहाँ सोलर प्लेटें लगा दी जाएं घरों पे, पार्कों पे, छतों पे, हर जगह, तो आप क्या समझते हैं कि बिजली का शार्टफॉल कहीं रह जाएगा? ये तमाम चीज़ें सोचने से ताल्लुक़ रखती हैं। सिर्फ रोने धोने से, एहतजाज करने से, और जब शार्टफॉल का मौसम सर पे आ पहुँचता है, फिर कभी भी किसी के हालात नहीं बदलते। हालात हमेशा एडवांस प्लानिंग से बदलते हैं, काम करने से बदलते हैं, और कुदरत ने ये आपको ज़राए बेबहा दिए हुए हैं। आप इनसे कितना फ़ायदा उठाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।